हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रॉ एजुकेशन में। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, इसके बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से जाना होगा क्योंकि पिछली दो वीडियोस इस पर मैंने फुल फ्लेज वीडियोस बनाई थी। और जिन्होंने एनपीएस की वीडियो नहीं देखी हो जरूर देखिएगा, आपकी बहुत ही मदद करेगी वो। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जो दो बेस्ट स्कीम्स हैं, एक है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एक है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम, ये पेंशन स्कीम सिस्टम है और ये सभी भारतीयों के लिए नेशनल, आपके पब्लिक के लिए प्रोविडेंट फंड है आपका। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे कि पीपीएफ और एनपीएस में बेहतर कौन है, किसके बेस्ट प्लान्स हैं और क्या क्या प्लान्स हैं, इनकी मैच्योरिटी कब तक की है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मैक्सिमम रिटर्न्स आपको कितना मिल सकता है, लॉक इन पीरियड कितना है, टैक्स बेनिफिट किसमें यानी कि टैक्स की छूट किसमें मिलेगी, एक्सटेंशन आप कितना करा सकते हैं और प्री मैच्योर विड्रॉल कितना आपको मिल सकता है, सिक्योरिटी किसमें ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर किसमें कम है, तमाम चीज़ें और आपके लिए क्या बेहतर होगा वो हम निकाल कर लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीएफ वर्सेस एनपीएस के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीपीएफ में इंडियन सिटीजन्स हैं यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन एनपीएस के लिए एज एलिजिबिलिटी है कि 18 साल से लेकर 65 साल तक के इंडियन और एनआरआई है ना वो भी ओपन करा सकते हैं। वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वन ईयर में कम से कम आपको 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में भी और एनपीएस दोनों में करना होगा और मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट एक साल में पीपीएफ में वहीं 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं, लेकिन एनपीएस में इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कम भी कर सकते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा भी कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात करूँ यानी कि कितना आपको मिलेगा, रिटर्न्स यानी कि कितना उस पर लगेगा और आपको रिटर्न में कितना मिलेगा इस आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो पीपीएफ में जैसा क्वार्टरली यानी प्रत्येक 4 महीने पर रिवाइज होता रहता है, तो मार्केट डाउन चल रहा है, कोविड आप देख ही रहे हैं तो लो इकोनॉमी चल रही है, तो भी 7.1% का आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन वहीं एनपीएस में बात करें तो एनपीएस में रिटर्न्स जो हैं आपको वो ज़्यादा परसेंटेज में मिलता है, यानी कि जो ब्याज है वो 8% से लेकर 10%, यानी कि अभी यहाँ पर 7.1 है पीपीएफ में, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है, अच्छी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी ही होगी, तो 8% तक आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन वहीं एनपीएस में आपको 8 से 10% यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने वाला है। वहीं लॉक इन पीरियड बात करूँ यानी कि आपको मिनिमम कितने सालों तक इसको रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को अपने, तो 15 सालों तक पीपीएफ में आपको ये रखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ एनपीएस में तो आपकी अपनी उम्र के 60 साल तक आप यहाँ पर फंड आपका जो लॉक इन पीरियड है आप लॉक कर सकते हैं। वहीं फंड मैनेजमेंट की बात करूं तो फंड मैनेजमेंट आपको मैं बता दूं कि आपका जो फंड है वो सिर्फ कोई मैनेज नहीं कर सकता, सिर्फ आपके पीपीएफ अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन वहीं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस का जो फंड होता है वो इक्विटी में भी लगता है, डेब्ट में भी लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगता है, आप चाहें तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो पैसा है वो मार्केट के शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है कि किसी बॉन्ड में लगाया जा रहा है, किसी इक्विटी में लगाया जा रहा है, वो डिपेंड आप पर भी करता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबके लिए है, तो टैक्स बेनिफिट पीपीएफ में एग्जम्प्ट कैटेगरी का यानी कि पूरी तरीके से आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, लेकिन वहीं एनपीएस में बात करें तो एग्जम्प्ट और ऑलमोस्ट एग्जम्प्ट कैटेगरी में यानी कि आपको छूट मिलती है, लेकिन आपका जो टैक्स है वो आपके मंथली, आपको जैसा पता है कि नेशनल पेंशन स्कीम ये पेंशन सिस्टम है, तो जो मंथली पेंशन आपको मिलेगी वो टैक्सेबल होगी यानी कि उस पर टैक्स लगेगा, बाकी किसी चीज पर भी टैक्स नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं पीपीएफ वर्सेस एनपीएस में विड्रॉल, एक बार में आप पूरा पैसा अपना निकाल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट का, लेकिन एनपीएस अकाउंट में आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट 60% ही अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का आप निकाल सकते हैं
टोटल इन्वेस्टमेंट का, अपने इन्वेस्टमेंट का नहीं टोटल, यानी कि आपका और गवर्नमेंट का मिला के, वही 40% एन्युटी जो है वो आपके मंथली पेंशन के रूप में आपको वो मिलती रहेगी। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपका जो उसके ऊपर उसको रखने में, रख रखाव में जो भी कुछ खर्च होता है, पीपीएफ अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 0% है, और एनपीएस में 0.01% जो भी नेग्लिजिबल अमाउंट है, 0.01% जो मिनिमम है आपके पेंशन स्कीम रेट के हिसाब से। वहीं सिक्योरिटी की बात करूं तो पीपीएफ अकाउंट में हाई रिस्क सिक्योरिटी है यहाँ पर, यानी कि किसी प्रकार का कोई रिस्क यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पता आपको कि शेयर मार्केट में पैसे लगते हैं, हालांकि वहाँ पर भी लो रिस्क है एनपीएस में, तो कंपेरिजन अगर हम करते हैं पीपीएफ और एनपीएस में, क्योंकि आप सभी बताते हैं कि सर पीपीएफ स्कीम बेहतर है कि या एनपीएस है, तो यहाँ कंपेरिजन से ही आपको ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क पीपीएफ में नहीं। अब रिस्क कैसा है, जैसे आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आरोप लगता है, प्रश्न चिन्ह उठता है, और गवर्नमेंट ऑर्डर होता है या फिर कोर्ट ऑर्डर होता है कि आपकी सारी स्टेक जो हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, सब पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। लेकिन पीपीएफ अकाउंट में आपके 10 लाख 15 लाख जो भी रुपए रखे हुए हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा, वो रिस्क के अंतर्गत नहीं है, अगर वो आपके पैसे सेफ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है, लो रिस्क यहाँ पर रहेगा, जैसा मैंने एनुटी के तहत बताया है। अकाउंट ओपन आसान है, आप बैंक से भी या पोस्ट ऑफिस से भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, एनपीएस को भी बैंक से, या फिर आप ऑनलाइन मोड ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में आप सारी चीज़ें अपनी आपके समक्ष रहती हैं, एक क्लिक में आप सारे अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहेंगे, कितना आपको रेट मिल रहा है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ओपन करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर जो है वो जनरेट मिल जाता है, प्रान, और इसी प्रान नंबर के तहत जैसा आपका प्रान नंबर जो आपको अवेलेबल होगा कुबेर आईडी के द्वारा, तो वहां से आप सारी डिटेल अपनी देख पाएंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि पीपीएफ अकाउंट में किसी प्रकार का किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके ही पैसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और आपके साथ साथ आपकी गवर्नमेंट या आपके कंपनी जो है वो आपके साथ इन्वेस्ट कर रही है। तो एनपीएस वर्सेस पीपीएफ में आपने देखा कि रिटर्न जो है 8-9% पीपीएफ में मिल जाएगा, और एनपीएस में मैक्सिमम 8-10% तक भी जाता है, तो मैक्सिमम रेट 10% तक भी मिलता है। टैक्स यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेंशन टैक्सेबल होगी, पेंशन सिर्फ। सुरक्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित आपकी पीपीएफ है, और रिटर्न में उतार चढ़ाव है, इस वजह से थोड़ा सा लो रिस्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं, यहाँ पर बैंक या ऑनलाइन मोड से आप ओपन करा सकते हैं। और कर्ज की बात करें कि आप लोन सुविधा जो इस पर उठा सकते हैं, तो आपको आराम से इस पर मिल जाएगा पीपीएफ अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर एनपीएस में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। तो लास्ट में आप लोगों को अब कंपेरिजन मैंने बता दिया, अब मैं आप लोगों को अभी मैं ऑनलाइन आपको एनपीएस कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा, और उससे कंपेरिजन कराऊंगा कि आपको कितना इन्वेस्ट कितने सालों तक करते हैं। मान लीजिए आप 25 या 26 साल के हैं, और आपने पर ईयर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एनपीएस स्कीम के तहत, ठीक है, यानी कि मंथली आपका लगभग 8000 के आसपास, 8333 लगभग आएगा, तो मोटा मोटा मान लेते हैं 8000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं मंथली, है ना। ये 8 लाख जो आप इन्वेस्ट करते हो, माफ़ करिएगा, 8000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, तो टोटल इसका जो बेनिफिट है आपको, जब रिटर्न्स मिलेंगे आपको अपने एनपीएस में, तो आपको 2,86,00,000 रुपए 10% रेट के, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इतना आपको मिलेगा। यानी 25 साल के हैं तो लगभग 35 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 60 सालों तक होने पे। और इसका अगर आप 60% जो आपको मिलता है उसका 60% 2,86,00,000 का निकालेंगे, तो 1,71,00,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, और बाकी के जो 40% हैं वो 40% पर मंथ आपको क्या मिलेगा, पर मंथ आपको आपकी पेंशन मिलेगी, जो अच्छी खासी पेंशन रहेगी उस समय, आने वाले आपके 35-40 साल बाद आपका जो सराउंडिंग रहेगा, जो इन्वायरमेंट रहेगा, उस हिसाब से ठीक ठाक आपको पेंशन मिल जाएगी।
वहीं अगर पीपीएफ में बात करूं कि पीपीएफ में आप अगर 35 साल अपने लगाते हो इतने, तो पीपीएफ में जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो 1,78,00,000 मिलेगा, जो एनपीएस का 60% के ही बराबर है। एनपीएस में आपको 1,71,00,000 मिल रहा था, 60% टोटल एनपीएस में 2,86,00,000 मिल रहा था। तो दो कहाँ 2,86,00,000, कहाँ 1,78,00,000। अब अंत में मेरी, अगर आपने पूछा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या बताऊं, सजेस्ट करूं, तो बेहतर प्लान जो है वो एनपीएस आपके लिए, सबके लिए अलग अलग सुविधा होगी, है ना। आप सीधे सीधे नागरिक हैं देश के, तो अभी आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, टीयर टू अकाउंट खुलवा सकते हैं, नहीं तो टीयर वन अकाउंट सबके लिए अपने आप ओपन है ही। तो एनपीएस बेहतर स्कीम है अदर स्कीम के कंपैरिजन में, अगर आप पेंशन स्कीम की बात करेंगे। अगर आप पेंशन स्कीम की बात नहीं करते हैं और बहुत जल्द अपना विड्रॉ कराना चाहते हैं, पैसे जल्दी जल्दी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पीपीएफ अकाउंट बेहतर होगा। और भी कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो जरूर कमेंट करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।